नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हुए एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों आज अपने घर से हम दूर कम से कम 60 किलोमीटर दूर चलकर आए हुए हैं, तो आज बहुत ही अच्छे जगह पे आए हुए हैं। तो आज जो चीज़ हमने कभी देखा नहीं था अपने आँख से, आज वो भी चीज़ देख लिए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए हम आप सबको भी दिखा देते हैं कि हम किस जगह पर आए हुए हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये हम मूँगफली के खेत में आए हुए हैं। यहाँ जो है एक बीघे में मूँगफली बोया गया है और बहुत ही हरा भरा और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आइए हम मूंगफली का खेती आप सबको दिखा देते हैं। आप सब देख सकते हैं एक मूंगफली का पौधा है, इसमें जो है अरहर जैसा फूल पीले पीले लगे हुए हैं, देखने में दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आइए हम मूंगफली को भी आप सबको दिखाते हैं कि तो फिलहाल तो हम पहली बार देख रहे हैं कि खेत में कैसा मूंगफली पड़ा होगा। तो आइए हम हाथ से उखाड़ेंगे और देखेंगे। जो ज़्यादा ग्रीन है उस पौधे को हम नहीं उपारेंगे, ये थोड़ा येलो लग रहा है, मतलब पीला हो गया है, तो पूरी तरह से मूँगफली इसमें पड़ चुकी है। तो चलिए हम पहली बार अपने हाथों से मूँगफली के पौधे को जड़ से उखाड़ेंगे, तो देखते हैं कैसा पड़ा हुआ है मूँगफली। आप सब देख सकते हैं पौधे में कितना अच्छा मूंगफली लगा हुआ है और इसे हमने पहली बार अपने हाथों से उपारा हुआ है, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमने पहली बार अपने हाथों से मूंगफली का पौधा उखाड़ा है, इसमें काफ़ी अच्छे फल भी लगे हुए हैं। आप सब देख सकते हैं कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मूँगफली तो सभी इंसान को पसंद है, सब लोग खाते हैं बड़े चाव से। तो चलिए इसी तरह हम और मूँगफली खेत से उखाड़ लेते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, हम मूँगफली का बहुत ही अच्छा रेसिपी बनाकर आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बारिश हुई है इसलिए जो है बहुत ही आराम से मूँगफली का पौधा उखड़ रहा है। तो आप सब देख सकते हैं इसमें भी बहुत अच्छे से मूँगफली पड़ा हुआ है। तो इसी तरह हमें जितना ज़रूरत है उतना हम मूँगफली खेत से ले लेंगे। मिट्टी को हम झाड़ देंगे। तो जितनी हमें ज़रूरत थी उतना मूँगफली हमने खेत से ले लिया है। चलिए इसे हम गिलैया में रख देते हैं। तो मूँगफली को हमने गिलैया में भर लिया है। चलिए चलते हैं घर जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। सबसे पहले हम मूंगफली को पौधे से अलग कर लेते हैं। तो मूंगफली को हम पौधे से तोड़कर रख लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि जो इसका डंठल होता है थोड़ा टाइट होता है, तो थोड़ा सा जो है टाइट टूटता है, आप सब देख सकते हैं। तो एक एक करके हम मूंगफली को तोड़कर डिलैया में रखते जाएंगे। और तोड़ने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो बुलान है तो इसी तरह हम सारे मूंगफली को पौधे से तोड़कर अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली बार हमने मूंगफली को पौधे से तोड़ा है और तोड़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो सारे मूंगफली को हमने पौधे से धोकर अलग कर लिया है। तो चले चलते हैं छत पे जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। तो मूंगफली को लेकर हम पहुँच गए घर पे जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को निकाल लेते हैं। तो हल्का सा इस तरह से हम मारेंगे, आप सब देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका मूंगफली जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो मूंगफली बिल्कुल ताज़ी है, तो इसी बट्टे के सहारे हम मूंगफली को हल्का सा इस तरह से हल्का सा मारेंगे। इसका छिलका जो होता है पूरी तरह से फट जाता है, आप सब देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मूंगफली का बीज अलग हो जाता है। और इसी तरह हमें सारा मूंगफली के दाने को निकाल कर रख लेना है जितनी ज़रूरत है। तो दोस्तों मूंगफली का बीज निकालने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और जो चीज़ जो है मेहनत से होता है वह जो है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो जितनी हमें ज़रूरत थी मूंगफली की उतना हमने ले लिया है। तो चलिए इसे हम साफ पानी से धो लेते हैं। तो सबसे पहले हम सारी सब्जियों को धो लेते हैं। तो मूंगफली के दाने को हम बहुत ही अच्छे से मसल कर धो लेंगे ताकि जो इसमें छिलके हैं और मिट्टी है पूरी तरह से साफ हो जाए। तो एक बार इसे हम फिर धो लेंगे। तो अब इसे हम थाली में रख देंगे। तो धनिया अदरक आलू टमाटर और लहसुन को भी हम साफ पानी से धो लेंगे। तो आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दिया आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं कच्ची मूंगफली का निमोना, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो मूंगफली का निमोना बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने मूंगफली का दाना एक पाव लिया हुआ है, एक लाल टमाटर है, तीन मीडियम साइज आलू है, आलू का छिलका हमने उतार लिया है, अदरक का टुकड़ा है, लहसुन की कुछ कलियां हैं, धनिया की हरी पत्ती है, और यहाँ पे हमने दो बड़ी लिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग चना का जो है निमोना बनाएं, मटर का निमोना बनाएं, चाहे जो चीज़ का निमोना बनाएं, तो उसमें बड़ी डालना बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि बड़ी डालने से निमोना का टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट निमोना बनकर तैयार होता है। तो इसमें जो है बहुत ज़रूरी होती है बड़ी की। और यहाँ पर हमने हींग लिया हुआ है, हल्दी पाउडर है, पंचफोरन है, नमक है और सरसों का तेल है। और निमोना में सरसों का तेल बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है निमोने का। ये सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। तो मूंगफली के दाने को हम मिक्सी जार में डालकर थोड़ा थोड़ा इसे हम थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। तो लहसुन और अदरक को हम खलबट्टे में डालकर थोड़ा दरदरा पेस्ट बना लेते हैं। तो लहसुन और अदरक को हमने दरदरा कूट लिया है, अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और इधर हमने मिक्सी जार से मूंगफली को भी पीस लिया है, और आप सब देख सकते हैं कि निमोना बनाते समय थोड़ा हमें दरदरा ही पीसना है। तो इसे भी हम थाली में निकाल लेते हैं। तो निमोना बनाने के लिए आलू को भी हम काट लेते हैं। तो आलू को हमने तीन भागों में काटा हुआ है। तो कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो तेल को हमने डाल दिया है। तो तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम लगाते हैं तड़का। तो तड़का हम पंचफोरन से लगाएंगे, पंचफोरन तड़के से निमोना की टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसमें हम पंचफोरन से लगाते हैं तड़का। तो पंचफोरन को हम चटका लेते हैं। तो पंचफोरन हमारा चटक गया है, उसी के साथ हम डाल लेंगे बड़ी जो हमने दो लिया हुआ था। तो बड़ी को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। तो बड़ी भी हमारी फ्राई हो चुकी है, उसी के साथ हम डाल देते हैं लहसुन और अदरक। तो लहसुन अदरक भी हमारा अच्छे से भुन गया है, उसी के साथ हम डाल देते हैं मूंगफली के जो हमने पीसा हुआ था। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से तेल में भुनेंगे, जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा हमारा निमोना बनकर तैयार होगा मूँगफली का। तो इसे हमें धीमी आंच में बहुत ही अच्छे से भूनना है, और निमोने में हम मसाला बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर मसाला डाल देंगे तो हमारा निमोना सब्जी जैसा आने लगेगा, तो इसमें हमें मसाला बिल्कुल नहीं डालना है।
इसे हम सोना होने तक कुछ देर तक भुनेंगे ताकि इसका स्वाद अच्छा लगे निमोना का खाने में। तो आप सब देख सकते हैं कि नीचे पकड़ रहा है, इसे हम बराबर चला चला कर अच्छे से मिला मिला कर अच्छे से भुनेंगे। आवाज़ को बिल्कुल धीमी रखेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि धीमी आंच में निमोने को हमने 5 मिनट तक भुना हुआ है और दाना दाना बिल्कुल अलग हो गया है। तो उसी के साथ हम डाल देते हैं आलू, और आलू को भी हम निमोने में अच्छे से भुनेंगे ताकि आलू भी हमारा सोना हो जाए और खाने में हमारा निमोना टेस्टी लगे। तो इसे भी हम 3 मिनट तक भुनेंगे। तो आलू को हमने बराबर चलाते हुए 3 मिनट तक भून लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिला देंगे। तो हल्दी को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हमारे निमोना से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसी तरह हम बराबर चलाते हुए 2 मिनट तक और भुनेंगे ताकि हमारी हल्दी भी अच्छी तरह से हो जाए। हल्दी को हमने 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब उसी के साथ हम डाल देंगे पानी। तो पानी हम अपनी इच्छा अनुसार डालेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी पसंद है तो ज़्यादा डालेंगे और कम पसंद है तो कम डालेंगे। इसे हम चला कर देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे। तो पानी को हमने डाल दिया है। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर डालने से जो है निमोने का टेस्ट अच्छा लगता है दोस्तों। आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अगर पसंद हो तो डालिए और नहीं पसंद हो तो नहीं डालिए। तो टमाटर को हम छोटे छोटे पीसों में काट कर कढ़ाई में डाल देंगे। तो टमाटर को हमने डाल दिया है। अब उसी के साथ हम डाल देंगे हींग। अब निमोना में हम डालेंगे हींग। हींग डालने से निमोना का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी निमोना बनकर तैयार होता है। तो हींग को हम निमोने में डाल देंगे, इसे अच्छे से चला देंगे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक को हमने डाल दिया है। अब नमक को भी हम अच्छे से निमोने में मिला देंगे। आँच को तेज करके निमोने को अच्छे से हम पका लेते हैं। आप देख सकते हैं कि निमोना हमारा उबलना शुरू हो गया है। अब इधर हम धनिया की पत्ती काट कर रख लेते हैं। निमोना हमारा बहुत ही अच्छे से उबल रहा है, इसे हम एक बार चला देते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आँच को हम थोड़ा कम कर देंगे और धीमी आँच में निमोने को बहुत अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा निमोना अच्छे से पके और टेस्ट अच्छा लगे, खाने में स्वादिष्ट लगे दोस्तों। और निमोना हमारा बहुत ही जल्दी से पकने वाला है। उसी के साथ हम डाल देते हैं धनिया की हरी पत्ती। और धनिया की हरी पत्ती डालने से निमोना का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो धनिया की पत्ती को हमने डाल दिया है। धनिया की पत्ती को हम निमोने में अच्छे से मिला देते हैं। तो निमोना हमारा बहुत ही जल्द बनकर तैयार होने वाला है दोस्तों। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। घर आए मेहमान को भी खिला सकते हैं। तो आज का हमारा ये मूंगफली का निमोना आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कढ़ाई को हम नीचे उतार देते हैं। आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि मूँगफली का निमोना हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।